नजर डालते हैं आज की खबर पर। आम आदमी पार्टी ने उठाया बच्चा चालू के छत्तीसगढ़ में भारतीय चुनाव के चलते पार्टी के माधव और यादव पर चर्चा जिला मुख्यालय जांजगीर के कचहरी चौक में आम आदमी पार्टी ने कैंडल मार्च निकालकर भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट नेताओं व भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक बार फिर चुनावी मैदान छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जांजगीर चांपा सीट से प्रत्याशी संजय कुमार शर्मा जी ने बेड़ा उठाया है। आम आदमी पार्टी आपका अपना पार्टी आगामी 20 नवंबर को आम आदमी पार्टी को अपना बहुमूल्य वोट देकर झाड़ू छाप पर बटन दबाकर सरकार बनाने की अपील की है। क्या नाम है आपका? हाँ जी, नाम पूछ रहे हैं। मैं संजय शर्मा हूँ, यहाँ से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी हूँ। संजय शर्मा जी, बताइए इस तरह से आप मार्च पास्ट लेकर यहाँ जिस तरह से एकत्रित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में आप? देखिए, देश में एक बड़ा बदलाव आ रहा है जी, और भ्रष्टाचार और आतंक मुक्त राजनीति के लिए दीपावली गई है। अन्याय पे जीत की हमने आज यहाँ कैंडल जलाया। जिस तरह से दीपावली में लोग पुराने इतिहास को दोहराते हैं कि एक बड़ी विजय के लिए याद किया जाता है दीपावली को, तो आज हमारे साथियों ने, हमारे साथियों को पूरा भरोसा है कि देश में एक बड़ा बदलाव आएगा प्रदेश में। इसके लिए आज हमने यहाँ सारे लोगों ने जो रोड शो किया, डोर टू डोर हमने कैंपेन किया है, उसके बाद इस चौक पे हमने कैंडल मार्च किया है। एक नए युग का निर्माण उदय होने वाला है, एक बड़ा बदलाव आने वाला है, इसके स्वागत के लिए हमने आज कैंडल मार्च किया। क्या नाम? नाम, मेरा नाम फुलसाय शर्मा है। मैं जांजगीर चांपा का सचिव हूँ, विधानसभा का सचिव हूँ। मेरा मानना है अगर आम आदमी की सरकार बनेगी जी, तो हम छत्तीसगढ़ को दिल्ली मॉडल बनाएंगे जी। जो व्यवस्था, जो सुविधा आम आदमी की दिल्ली में है जी, वही व्यवस्था, वही सुविधा हम छत्तीसगढ़ को देंगे और आम आदमी की सरकार रोड पे चलाएंगे। ये हमारा दावा है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! आम आदमी जिंदाबाद! आम आदमी जिंदाबाद! बहुत अच्छा, बढ़िया काम किया है।